एफर आओ 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 बीफर भागो 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 सीफर चल 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 डीफर दारू 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 कौन है बे ये चल उठा इसे ये बबलू ये बबलू अरे ये बबलू अरे सोने देना यार ठीक है सर ये नहीं उठेगा उठा इसे ये बबलू अरे क्या है यार दिमाग खराब कर रहे हो उतनी देर से अरे सर देख रहे हैं सर अरे सर पाए लागू क्यों सर पसंद नहीं आया क्या ठीक है फिर पाए मत लगू क्या अरे कुछ नहीं सर सोने दीजिए गुड नाइट बस बस सोने के लिए ये तेरा बेडरूम नहीं है समझा अरे ठीक है सर समझ गए सीधे बैठ बदतमीज कहेगा सर हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं वरना क्या पता कल हाथ हो ना हो अच्छा कौन है बे तू नाम बबलू दीनानाथ चौहान बाप का नाम मंटू दीनानाथ चौहान माँ का नाम चौ हाँ और एक बात जाने हम जहाँ खड़े होते सुसु वहीं से शुरू होती है और जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक धब्बे छोड़ जाते हैं समझे बेटा तेरी बहुत हंसी छूट रही हंस क्यों रहा है अरे सर जी आपके मुंह पे ऊपर कुछ लगा क्या अरे सर जी आपके मुंह के ऊपर कुछ लगा है मुंह के ऊपर कहाँ अरे सर यहाँ यहाँ अरे पागल है क्या वो सर के मूछे हैं अच्छा मूछे हैं हमने सोचा कि कुछ लगा है बेटा तुझे पता है मेरा नाम क्या है अरे सर मुझे पता है मोतुमल और मेरा ये नाम क्यों पड़ा है ये पता है तुझे अरे आप मुत्ते होएंगे बहुत इसलिए पड़ा होगा तेरी बहुत हंसी छूट रही अरे सर सॉरी 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 प्लीज कंटिन्यू बेटा एक लड़का हर रोज रात को हमारे गेट के बाहर सुसु करता था और धब्बे छोड़ते छोड़ते जाता था एक दिन अंधेरे में उसके मुंह पे कपड़ा लपेट के उसको ऐसा धोया कि पैंट में ही मूत दिया उसने तब से हमारा नाम पड़ गया मोतुमल समझा अरे सर उस लड़के ने भी तो आपका माथा रगड़ दिया था ना दीवार पे ये बात तुझे कैसे पता चला बे फिर से हंस रहे तू हंस क्यों रहे अरे सर क्योंकि आपके माथा रगड़ने वाला लौंडा और कोई नहीं यही है बहुत जोर से रग रहा था ना क्या वो तू है हाँ सर मैं ही हूँ तेरी जिसने होमवर्क नहीं किया वो सीधी तरह खड़े हो जाए इतने सारे रुको एक एक करके सबकी खबर लेता हूँ ए तू बता तेरा होमवर्क क्यों नहीं हुआ बे सर जी भूल गया खाना पीने हकना मुद्दा तो नहीं भूलता तो होमवर्क कैसे भूल गया अरे सर भूख लगती है इसलिए खाना खाता हूँ प्यास लगती है इसलिए दारू मेरे मतलब पानी पीता हूँ और तो और प्रेशर बनता है इसलिए टॉयलेट जाता हूँ लेकिन सर होमवर्क करने से पहले ना ही कुछ लगता है और ना ही कोई प्रेशर बनता है तो होमवर्क कैसे याद आएगा बेटा ये कैसे भूल गया कि अगर होमवर्क नहीं करेगा तो मेरे हाथों मार खाएगा हाँ चल हाथ बढ़ा अरे नहीं सर अगली बार करके लाऊंगा मुझे कुछ नहीं सुनना हाथ आगे बढ़ा चल चल एक और बार बहुत मजा आ रहा है एक और बार बेटा नहीं सर देख मुझे गुस्सा मत दिला चल हाथ आगे बढ़ा सर नहीं आई अगली बार होमवर्क करके आएगा ना हाँ सर लाऊंगा अब तेरी बारी क्या बता होमवर्क क्यों नहीं किया अरे सर घर में मेहमान आ गया था तो मेहमान क्या तेरा हाथ पैर पकड़ के बैठा था कि होमवर्क मत कर बेटा होमवर्क मत कर नहीं तो फिर होमवर्क क्यों नहीं किया बे अरे सर जी वो क्या वो है चल हाथ निकल नहीं सर क्या नहीं चल हाथ निकल अरे सर जी लगेगा इसलिए तो मार रहा हूँ चल हाथ निकल अगली बार हो जाएगा ना अरे हाँ
आंसर हो जाएगा। अब तेरी बारी, बता होमवर्क क्यों नहीं किया? सर हाथ। क्या हाथ? सर जी हाथ निकाल दिया सूती। तो तू पहले से ही सूता चाहता है? ठीक है फिर। लेकिन सर जी एक प्रॉब्लम है। क्या? अरे सर जी आज एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा और बोला कि जो व्यक्ति आज मुझे सूतेगा उसकी बीबी आने वाली पूर्णिमा को घर से भाग जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आपकी बीबी भाग गई तो आपका क्या होगा। सच बोल रहा है? हाँ सर आपकी कसम। देख आज छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार होमवर्क करके आना। देखा दिमाग दिमाग। तुम लोग तो सिर्फ मारी खाते हो। बेवकूफ बना दिया ना सर को मैंने। क्या बोला बे? बेवकूफ बनाता है। चल हाथ अगर। सर जी आप जानते हैं मेरा बाप कौन है? चाहे जो भी हो तू तो आज गया। सर जी एक बार सोच लीजिए। मुझे कुछ नहीं सोचना। चल हाथ बढ़ा। बदतमीजी करता है। चल हाथ निकल। हाथ हटना नहीं चाहिए। फिर से हाथ हटाया तूने। तेरी क्या हो गया बेटा? पापा इस टीचर ने मुझे पीटा। क्या बे मास्टर तेरी इतनी हिम्मत? अरे अरे बप्पी भाई ये आपका बेटा।